दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल रवि में। तो हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे हम आपकी जो एम्प्लॉई है वो अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक डिटेल में उनका हिंदी नेम हो गया, उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया और उनका जो मेल फीमेल में यदि कोई गलती है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, और कंट्री चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक इन्फॉर्म आती हैं। तो आज के वीडियो उसी बेस पे है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लॉगिन प्रक्रिया आप सबको बताई है, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब आपको ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर आप ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं और क्या क्या उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो सब आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आपको लेफ्ट साइड में टॉप में एक एरो का निशान दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस और ब्रैकेट में है EWS, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन और दिख रहा होगा व्यू ऑब्लिक एडिट माई डिटेल्स, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑब्लिक एडिट माई डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ देखिए ऊपर एम्प्लॉय मास्टर दिख रहा है आपको और उसके नीचे देखिए बेसिक इन्फो का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे बेसिक इन्फो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले है रीजन और राइट साइड में लिखा हुआ है रीजन फॉर एडिटिंग। यहाँ पे आपको एक रिमार्क डालना है कि आप क्यों एडिट करना चाहते हैं। तो यदि आपको अपने कंट्री का जो आपको ठीक करना है तो आपको यहाँ पे चेंज कंट्री कर दोगे। आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो आप लिख दोगे अपडेट डेट ऑफ बर्थ। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे रीजन डालना है। मैं आपको नीचे नीचे बताता जाऊँगा कि क्या क्या आप उसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें वो रीजन डालना है, फिर आपको नीचे चलना है। अब देखिए आप ये बोलेंगे हम इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एम्प्लॉय नेम हिंदी का जो ऑप्शन दिख रहा है उसी के राइट साइड में आपको एक बॉक्स सा दिख रहा होगा जिसको हम चेक बॉक्स बोलते हैं। तो जिसके जो भी चेंज होगा उसके राइट साइड में यदि ऐसा चेक बॉक्स है, बॉक्स बना हुआ है, तो वो सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। जिसके पीछे चेक बॉक्स नहीं है वो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो एडिटेबल फॉर्मेट में ही नहीं है। तो इसमें देखिए जो पहली चीज़ है वो है एम्प्लॉय नेम इन हिंदी, तो ये आप चेंज कर सकते हो। मैं ये जो पीछे जो राइट साइड में जो ये बॉक्स बना है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए क्लिक करते ही ये यहाँ से आप इसको ये एडिटेबल फॉर्मेट में हो गया, आप इसको चेंज कर सकते हो। ऐसे देखिए कंट्री ऑफ बर्थ है, इसके राइट साइड में देखिए बॉक्स है तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये भी एडिटेबल फॉर्मेट में हो गया। ऐसे डेट ऑफ बर्थ है, इसके राइट साइड में बॉक्स उस पर क्लिक करता हूँ तो ये एडिटेबल फॉर्मेट में हो गया। ऐसे मेरा बर्थ प्लेस है, ये इसके राइट साइड में देखिए बॉक्स है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी क्या हो गया है, एडिटेबल फॉर्मेट में आ गया है। तो ऐसे ये एम्प्लॉय नेम रीजनल है, इस पर भी बॉक्स लगा है, इस पर क्लिक करेंगे भी एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो जिसके पीछे बॉक्स बने हुए हैं वो सब एडिटेबल फॉर्मेट में है, वो सब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं समझाने का मतलब यही है। तो जो भी आपका इसमें गलती है आप उसको चेंज कर सकते हो, चाहे आपकी बर्थ हो, चाहे आपका हिंदी नेम हो, चाहे आपकी कंट्री हो, वो आप चेंज कर सकते हो। अब हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान ये रखनी है, जैसे आप कुछ चीज़ें आप चेंज करोगे तो उसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी उस चीज़ का लगाना पड़ेगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है प्रूफ इन PDF फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, फिर आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये राइट साइड में जो बॉक्स लगा हुआ है पीछे ही ऑटोमेटिक उस पर टिक हो जाता है, मतलब ये उससे लिंक है। तो जैसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को एडिट करोगे तो ये यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना ही पड़ेगा। आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का, जो भी आप मान लो यहाँ पे गलत है आपने ठीक कर दिया, जो ठीक कर दिया वो डेट ऑफ बर्थ उस डॉक्यूमेंट में होनी जरूरी है एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट हो। वो आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपके मोबाइल में PC में उसको सेलेक्ट करना है और आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करोगे नीचे 100% अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा देगा और नीचे एक व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, यदि आप उसको देखना चाहो तो व्यू करके देख सकते हो। यदि वो गलत अपलोड हो गया तो व्यू के राइट साइड में आपको क्रॉस का बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से वो हट जाएगा, आप दूसरी फाइल वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मतलब प्रैक्टिकल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाते हैं, कम से कम 20-20 25-25 मिनट के वीडियो हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि
इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, तो सभी जो अपने घर पर भाई बोलते हैं कि आप वीडियो बहुत लेंथी बनाते हो, इतना वीडियो इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में अब की बार जितने भी वीडियो बनाऊंगा वो थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हो कि आराम से आप समझ सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। और नीचे आप इसमें देखिए, जो जिसके राइट साइड में बॉक्स नहीं है, चेक बॉक्स नहीं है, वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, जैसे फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, स्पाउस नेम हो गया इसमें, और हम नीचे चलते हैं, ये आप चेंज नहीं कर पाओगे। स्पाउस नेम चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको स्पाउस एम्प्लॉयमेंट टाइप के राइट साइड में बॉक्स लगा है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए एडिटेबल फॉर्मेट में हो गया, और स्पाउस नेम है वो भी एडिटेबल फॉर्मेट में है, आई पास आई डी ऑफ स्पाउस से भी एडिटेबल फॉर्मेट में है। तो दोस्तों ये आपकी जो स्पाउस हैं, आपकी जो वाइफ हैं, वो किसी मान लो गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो भी यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे स्पाउस एम्प्लॉयमेंट टाइप है तो इसमें सेलेक्ट करोगे तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको स्पाउस नेम आप उनका नेम डाल सकते हो, और यदि वो रेलवे में है तो उनकी आई पास जो आई डी है वो यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। फिर अब हम नीचे चलते हैं, आप अपना पैन नंबर आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए आप इसमें ब्लड ग्रुप भी चेंज कर सकते हो, राइट साइड में बॉक्स है, मैं क्लिक किया, ये एडिटेबल फॉर्मेट में आ गया। जैसे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन खुल जाएगी, उसमें ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव सब है, इसमें जो भी आप वो करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। और सुपर अनाउंसेशन जो डेट रिटायरमेंट डेट वो आप चेंज नहीं कर सकते। और दोस्तों लास्ट में देखिए एक ऑप्शन और है, स्पोर्टिंग प्रूफ डॉक्यूमेंट, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप चाहो तो जो ऊपर आपने जैसे ऊपर एक डॉक्यूमेंट आया था, मान लो डेट ऑफ बर्थ आप चेंज करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का जो सही का जो डॉक्यूमेंट वो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रहे जो भी डॉक्यूमेंट लगाओ आप उसको सेल्फ अटेस्ट जरूर से करना, ठीक है ना। और स्पोर्टिंग प्रूफ डॉक्यूमेंट में आप वहीं ऊपर जो डॉक्यूमेंट लगाओ वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मान लो जैसे कुछ केस में दोस्तों क्या होता है कि मान लो उनका आपके पास जैसे आपका हिंदी में नेम है, उनका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, कंट्री है उसका भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, तो छोटे मोटे जो जो चीज़ें हैं जिनमें डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि कृष्ण का जो मैंने एक पढ़ा हुआ है एक मैनुअल, उसमें यह है कि आप उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन लगा सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब सब घोषणा पत्र जो हिंदी में बोलते हैं, कि भाई आपका ये नाम है, ये आपका फादर नेम है, और आप वहाँ पे आप नौकरी करते हो, जो भी जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है उस स्टेशन का और उस डिवीज़न का नाम डाल सकते हो, और मेरे इसमें अचानक में ये गलती थी और सही ये है ऐसा लिख के, और अच्छा इसको ये करने की कृपा करें, ऐसा करके आप सेल्फ डिक्लेरेशन सब घोषणा पत्र हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो, और नीचे आपके जो भी प्रार्थी ऐसा आपका नाम और आपके वहाँ पे दिनांक और आपके साइन हो जाएंगे, तो ऐसे आप इसमें अपलोड कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास पहले भी आए थे कमेंट, मैंने इसके ऊपर भी पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, चाहे आप मोबाइल नंबर चेंज कर लो, ईमेल आईडी चेंज कर लो, तो बोले सर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में क्या लगाएं, तो पहले मैं बोलता था भाई आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हो, तो एप्लीकेशन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आप सेल्फ डिक्लेरेशन लगा दोगे तो और भी अच्छा है। तो मैंने आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का आपको एक मैंने बता दिया भाई क्या क्या आप उसमें लिख सकते हो। और दोस्तों लास्ट में देखिए आपको है, आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, इस चेकबॉक्स पर आपको जरूर से क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके अब आपको नीचे चलना है, और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सबमिट का, तो आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, और ओटीपी डाल के आपका वो जो है रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। फिर दोस्तों आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो, भाई मेरे जो एप्लीकेशन है ये जो चेंज रिक्वेस्ट है किसके पास गई, क्योंकि आपके ये तीन लेवल पे हो जाती है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जाएगी आपके डीलिंग क्लर्क के पास में, डीलिंग क्लर्क उसको किसके पास भेजेगा, उसको भेजेगा असाइन अथॉरिटी के पास, या फिर वेरीफाई अथॉरिटी होगा, और उसके बाद में वो फर्दर आगे के लिए जाएगा असाइन अथॉरिटी या वेरीफाई अथॉरिटी के पास में, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपका उसमें जब चेक करेंगे हम भाई उसका स्टेटस, तो वहाँ आएगा वो पहले असाइन अथॉरिटी के पास जाता है, वेरीफाई अथॉरिटी के पास जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है नोट में, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी सर्टिफिकेट प्रूफ इन पीडीएफ फॉर्मेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इफ एम्प्लॉय एडिटेड फ्रंट पेज ऑफ एसआर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आधार कार्ड पैन कार्ड इतना इतना, लाइफ इंश्योरेंस वोटर आईडी पीपीओ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मतलब यदि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो तो उसमें आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या लगा सकते हो वही इसमें दे रखा है। आप उसमें अपनी जो आपके पास यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हो, आपकी टेंथ की सर्टिफिकेट लगा सकते हो, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लगा सकते हो।
तो दोस्तों इसमें आप इस नोट को पढ़ लेना है आपको। और हबीब देखो देखो, वीडियो जो देखें हम तो 10 मिनट का हो चुका है, जबकि मैंने आपको सिर्फ बताया है। और अब मैं बताऊंगा आपको कि आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। मान लो आज आपने सबमिट कर दिया, आप देखोगे यार मेरी एप्लीकेशन किसके पास है, चेंज रिक्वेस्ट किसके पास गई है, तो वो आप चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आपको जाना पड़ेगा ऊपर जो आपको दिख रहा है एक एरो निशान, उस पर आपको क्लिक करना है। और वहीं पे आपको देखिए एक नीचे ऑप्शन जहाँ पे व्यू ऑब्लिक एडिट माय डिटेल्स का जो ऑप्शन आया था उसी के नीचे देखिए माय चेंज रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। कहाँ मिलेंगे ये? एम्प्लॉय ऑफ सेल्स सर्विस पे क्लिक करोगे तो आपको माय चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही माय चेंज रिक्वेस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट पीरियड का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ये मतलब करंट मंथ का जो है डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है। जैसे अभी आज 4 फरवरी है तो 1 फरवरी से लेके 4 फरवरी का शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि आपकी मान लो इससे पहले महीने की है तो यहाँ पे फ्रॉम में आप जो कैलेंडर का ऑप्शन देगा उस पर क्लिक करके आप पहले की डेट भी चुन सकते हो, और टू में भी आप कब से कब के बीच में आपने वो रिक्वेस्ट डाली है तो टाइम ले सकते हो, वो जो आपकी डेट है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और गो पे क्लिक करना, जैसे गो पे क्लिक करोगे तो नीचे आपकी जो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं चेंज रिक्वेस्ट आईडी, उनकी एच एल एम एस एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिक्वेंस स्टेटस, रिक्वेस्ट स्टेटस, मॉड्यूल नेम, टैब, एम्प्लॉय ट्रांजेक्शन डेट, डीलिंग क्लर्क आईडी, ये सब आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है डेट, वो आपने जो चेंज रिक्वेस्ट करी है वो इन डेट के बीच में होनी चाहिए। गोप करते हैं क्लिक, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें देखिए लास्ट में आपको देखा डीलिंग क्लर्क ट्रांजेक्शन डेट, डीलिंग क्लर्क ने कब उसको वेरीफाई अथॉरिटी के पास भेजा है वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे वेरीफाई अथॉरिटी वी ए मतलब वेरीफाई अथॉरिटी, यूजर आईडी आ जाएगी आपका, वेरीफाई जो अथॉरिटी है उसकी यूजर आईडी नीचे आ जाएगी। जैसे वो फॉरवर्ड करेगा असाइन अथॉरिटी को तो वहाँ पे वेरीफाई अथॉरिटी ट्रांजेक्शन डेट आ जाएगी, वो कब उसने फॉरवर्ड किया। वो लास्ट में है ए ट्रांजेक्शन डेट, ए का मतलब है असाइन अथॉरिटी। तो असाइन अथॉरिटी जैसे ही उसको वहाँ से अपने हैंड से रेक्टिफाई करेगा तो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे भी और जो एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे भी आपको उसका स्टेटस दिखाई देगा, उन्होंने क्या एक्शन लिया, रिजेक्ट किया है या फिर एक्सेप्ट किया है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और दोस्तों जो रिक्वेस्ट स्टेटस है इसमें आपको अभी पेंडिंग है या उसको रेक्टिफाइड हो गया है वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो ऐसे आप जो भी रिक्वेस्ट डालोगे चेंज करने के लिए उसका आप स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अभी हमारी रिक्वेस्ट किसके पास है, डीलिंग कलर के पास है या फिर वेरीफाई अथॉरिटी के पास है या फिर असाइन अथॉरिटी के पास है या फिर रिएक्टिफाई हो गया, तो सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो है वो 13 मिनट का हो गया है, अब ये देखो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता तो वीडियो कितना लेंथी हो जाता, कम से कम 25 मिनट का होता। तो दोस्तों फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जरूर से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आपको एचएलएमएस से संबंधित हो, चाहे आपको एनपीएस से संबंधित हो, चाहे वो उम्मीद कार्ड से संबंधित हो, चाहे वो रिसेप्शन संबंधित हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको किसी टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए अपडेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, जरूर से उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। और दोस्तों हर बात में आपको एक बात बोलना चाहूँगा, यदि हमारे चैनल पर नए हैं या पहले बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियो देख सके। दोस्तों आगे जो भी इनसे संबंधित कोई भी नया नया अपडेट आएंगे उसके वीडियो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और हाँ दोस्तों खुश रहो।